बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव सोच आती है। नौकरी में भी कोटा होता है कि उसको मैं जेल भिजवाऊंगी और 700 जेल भिजवाऊंगी, 700 बीघा जमीन यहाँ पर भारापुर भौरी में है। और यहाँ देखो खेल का मैदान नहीं है, ये हमारा पूरा खादर इलाका है ना, यहाँ कोई खेलने का मैदान नहीं है। हम फर्श पे खेलते हैं आज भी, बडेडी से लेके लक्सर तक, लंडोरा से लेके जवालापुर तक। इस बीच हल्के से हल्के से ऐसा है, मैंने आपको शुरू से बता रही हूँ, मेरा 28-29वां टूर्नामेंट है ये, और चैंपियनशिप भी करती हूँ, टूर्नामेंट भी करती हूँ। हर जगह बच्चे मुझे बुलाते हैं। अभी कल परसों पिरान क्लियर भी जा रही हूँ, 3-4 प्रोग्राम में पिरान क्लियर कर चुकी हूँ। और मैं युवा बच्चे, देखो खेल एक बच्चों के लिए एक साधन है। इसमें एक तो आपके, मैंने आपको हमेशा कहा बच्चे पॉजिटिव रहते हैं, बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव सोच आती है। नौकरी में भी कोटा होता है। और साथ में अभी इन बच्चों ने बताया कि यहाँ पर देखिए सड़क पर, ये देखिए मैदान नहीं है, और 700 बीघा ज़मीन ग्राम सभा की यहाँ पर 700 बीघा, और कुछ तो ये बिल्डरों ने काट ली। तो मैं भारापुर भौरी इस एरिया में जो भी बिल्डर है ग्राम सभा की ज़मीन जिसने काटी है, तो उसकी उसको मैं जेल भिजवाऊँगी और 700 बीघा ज़मीन यहाँ पर भारापुर भौरी में है, और जिसमें स्टेडियम बनेगा। और मैं आज ऐलान करके जा रही हूँ, और अभी मेरा हर विधानसभा में जितनी ग्राम सभा की ज़मीनें होंगी, अगर मैं राजनीति में नहीं आती तब भी मेरा सोच था कि मैं हर विधानसभा में एक ऐसा सर्वधर्म गुरुद्वारा कह लीजिए, सर्वधर्म एक ऐसा स्थान बनाना चाहती हूँ जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आए। पर रोज भंडारा हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी सोच क्या है, कि मैं लोकसभा जीती, हर विधानसभा में एक ऐसी ग्राम जगह पर शांति कुछ टाइप का ऐसा बनाया जाए जहाँ पर गरीब लोगों को शादी के लिए वेन्यू मिल जाए, मेन्यू मिल जाए, उसमें फील्ड भी हो और उसमें सब कुछ हो। मतलब ऐसा मेरा प्लान है, जो मेरी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बदलाव चाहता है। और बता रही हूँ मैं, देखिए कितना ठंडा है कि बच्चे खेल रहे हैं, मुझे बुला रखा है, और मैं भी इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आई हूँ। और मैंने कह दिया मुझे तुम ग्राम सभा की 10 बीघा जमीन का जगह बता दो, पैर रखने की जगह दे दो, 700 बीघा में पूरी कर लूँगी उसको। क्योंकि जब 700 बीघा, तो ये बिल्डर कहाँ से, सब पटवारी SDM DM और तहसीलदार से मिलकर, कानून से मिलकर हेरा फेरी करते हैं, पूरा उत्तराखंड बेच खा डाले। तो यहाँ पर 700 बीघा जमीन है ग्राम सभा की, उसमें निश्चित तौर पर स्टेडियम बनेगा, स्पोर्ट्स कॉलेज भी, इनका स्पोर्ट्स क्लब भी, और एक ऐसा स्थान में बनाना चाहती हूँ जहाँ पर गरीब लोगों की शादियाँ हो और आपके बर्तन हो, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा मेरा प्लान है। हमें ग्राउंड चाहिए, ये हमने कहा था पहले भी, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं को खेल का उत्साह है, खेल के लोगों को खेल के ग्राउंड की ज़रूरत है, तो ग्राउंड बन जाए। तो ग्राउंड ना भी बने तो हम तो मैडम के साथ हैं, मैं आश्वासन पूरा इनके, इन्होंने आश्वासन दिया है, मैं पूरा यकीन है इनके पास। ज़मीन है यहाँ ग्राम समाजी, ये तो देखो भारापुर मोहरी का इलाका है, भारापुर मोहरी का जो रकबा है 700 बीघे, अगर हम पूरे खादर का हिसाब जोड़े तो कई हज़ार बीघे ग्राम सभा की संपत्ति है, वो लोगों ने कब्जा रखी है उस संपत्ति को जो ग्राम सभा की है। तो मैम को हम सांसद बनाएंगे, हम पूरी दिलो जान से कोशिश करेंगे। क्यों भाई, सब साथ है ना। तो बस हमारा ये लक्ष्य है, जो ग्राम सभा की संपत्ति है उसको निकाल कर एक ग्राउंड बनना चाहिए। देखिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर, मेरी लोकसभा के अंदर या उत्तराखंड के जितने युवा हैं, ये सब मेरे भतीजे हैं, इसमें माइनॉरिटी की भाई लोग बहुत हैं, बुआ मानते हैं, सब बुआ मानते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे गुजर हो, चाहे पहाड़ी हो, सबकी बुआ हूँ मैं। ये उत्तराखंड की बेटी है और हमारी बुआ है बस। यहाँ देखो खेल का मैदान नहीं है, ये हमारा पूरा खादर इलाका है ना, यहाँ कोई खेलने का मैदान नहीं है। हम फर्श पे खेलते हैं आज भी, बडेडी से लेके लक्सर तक, लंडोरा से लेके जवालापुर तक। इस बीच एरिया में बहुत सारे प्लेयर हैं, यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर भी 2-3 निकल के गए हैं, लेकिन वो बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ ना कोई ग्राउंड है, तो यहाँ एक ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है। मैडम ने आश्वासन दिया, मैडम ने आश्वासन दिया है, इंशाल्लाह हम इनके साथ है पूरे दिलो जान से। हमें सांसद ही अगला भावना पांडे मैडम को बनाना है। बढ़िया भाई।